Yes, are you ready? Are you ready? Yes. Yes or no? सर ये तुम लोग बोलना बोलते कि नहीं हो? सर भी नर्वस हो गए थे। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है बोलने का यार? ओके, लास्ट प्रॉब्लम जो किया था वो कौन सा किया था मैंने? कैन यू टेल मी लास्ट प्रॉब्लम विच आई डन इन लॉग? हैव आई डन दिस? बाकी था x इक्वल टू log 6 टू द बेस 12, y इक्वल टू log 12 यस टू द सर, बेस 15। ये किया था हमने, पूरा हो गया था? नहीं, दिस वाज डन बाय मी और इट वाज रिमेनिंग? इट वाज डन। ओके, देन मुझे ये बताओ, ये किया था? 48 था आंसर, राइट हैंड साइड में शो दैट दिस इज इक्वल टू 48, वो किया था? वो किया था क्या? ओ बच्चे, हाँ सो यू हैड गिवन दिस एज अ होम। ये हो गया था, फिर तुम लोगों को आया था कि नहीं? यस सर। ओके, तो इसको मिटा देते हैं। ये दैट इज गुड, ऐसे बातचीत करो यार तुम लोग। देन प्रूव दैट अनदर होमवर्क सर, बट आई वाज नॉट एबल टू कॉपी इट। क्या? सो आफ्टर दिस यू हैड गिवन वन मोर होमवर्क, आई वाज नॉट एबल टू कॉपी द सम। ओके, आई थिंक दिस वाज द सम। प्रूव दैट वन अपॉन log 24 टू द बेस 6, ये हुआ था, लिख पाए थे आप लोग? सर, वन अपॉन log 24 टू द बेस 12 प्लस वन अपॉन log 24 टू द बेस 8 इक्वल टू 2। इसका आंसर कौन बताएगा? वन अपॉन लॉग ए टू द बेस बी इज लॉग व्हाट? एनीबडी? चेंज ऑफ बेस, लॉग बी टू द बेस ए, दैट इज राइट। एल एच एस इक्वल टू, मुझे कौन बताएगा क्या लिखू? मुझे ये यूज कर रहा है इसमें 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 तीन। जितेंद्र मुझे बताओ क्या लिखू इसके बदले? इसके बदले क्या लिखू? ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा है मुझे, एक दो तीन तीनों में एल एच एस लॉग 6 टू द बेस 24, दैट इज राइट। लॉग 6 टू द बेस 24 प्लस लॉग 12 टू द बेस 24, या प्लस इन लॉग 8 टू द बेस 24। अभी अगला स्टेप बोलो क्या लिखो, दैट इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 24, सम बिकम्स व्हाट? ओम मुझे बताओ क्या लिखो, ओम ओम बताओ क्या लिखो, मार्स ओ मार्स दोनों बताओ। सो 6 इनटू 12 इनटू 8, दैट इज राइट। 6 इनटू 12 इनटू 8, मुझे 24 के रूप में कुछ लिखना है यहाँ पे, सो दैट 24 टू द बेस 24 इज 1 ना, तो इसको 6 को मैं 3 इनटू 2 कर लिखता हूँ, ये 12 और ये 8, और आई राइट दिस फर्दर एज लॉग 24, ये 12 दूनी 24 और ये 8 थी या 24, ये देखो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24, दैट इज लॉग टू द बेस 24, 24 का स्क्वायर। टोपी नीचे, कौन नीचे आएगा इसके बाद बताओ क्या लिखूं? सर 2 लॉग 24 रेज टू 24, 2 लॉग 24 टू द बेस 24 which is 2 into 1, यानी के 2, that is RHS, कितना easy है problem, ये strike हो गया है आपको, ये strike हो गया तो things become easy, एक झटके में हो जाता है problem खल्लास। एक बार ruler मारूं, ruler मारने की जरूरत है कि नहीं है? ओके, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की ओर, ये रहा आपके सामने, इसको अपने आप करो, इसको अपने आप करोगे आप लोग, मैं करने वाला नहीं हूं,
prove that one upon log ABC to the base AB plus one upon log ABC to the base BC plus one upon log ABC to the base CA equal to 2. चलो एक मिनट में कर लो, एक मिनट क्या प्रॉब्लम है, ऐसा ही जो अभी अभी किया ना मैंने, ऐसा फट करके अपने आप करो, अपने आप करो विदाउट माय हेल्प। उल्टा कर दो, उल्टा पुल्टा हो गया होगा अब तक। दो मिनट का प्रॉब्लम है, दोन मिनट का प्रॉब्लम है। आ गया प्रिशा, आ गया प्रिशा, माज, ओम, अफीफ, जीतू, आया क्या ये सब? एनीबडी हू गॉट? यस सर, दैट्स गुड। देखो इधर देखो, उल्टा करेंगे तो लॉग ए बी टू द बेस ए बी सी प्लस लॉग बी सी टू द बेस ए बी सी प्लस लॉग CA to the base ABC. That is log to the base ABC. AB into BC into CA. A square, B square, C square. Or that is log to the base ABC. ABC ka square. And that is equal to 2 times log ABC to the base ABC. Log of any number to the same number is 1, and that is equal to 2, and that is equal to RHS. ये आना चाहिए था। जीतू के अलावा और किसको आ गया था पहले से? Sir, I got it. Good. Prisha? Om? Om? Sir, I also got it. Very nice, Maz. Very good, Maz. अभी मैं आवाज से पहचानने लग गया हूँ। चलो अगला सम, मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, आई वांट टू आस्क यू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट लोग बहुत मिस्टेक करते हैं उसमें। ये बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट? बोथ आर सेम और बोथ आर डिफरेंट? Both are different. What is the difference? What is the difference? Is the bracket or the bracket नहीं है वो मत बोलना। ये क्या है? There is a log in the left hand side. Log also has square, but in the right hand side log does not have square. That's right. मैं आपको ये ना ये बताता हूँ, ये ऐसा ही लिखना मेरे साथ। This is nothing but you know log x into log x. And this is nothing but log x plus log x. This becomes log x ka whole square. And this becomes 2 log x. Lekin isko topi bana sakte hain. Isko topi bana sakte hain. Toh yahan pe dhyan rakhna, log x square means log x plus log x. Log x ka whole square means log x into log x. Iski topi kabhi niche mat le jana. Agar whole hoga toh topi niche mat le jana. That will be wrong. Agar bracket nahi hai toh topi niche le ja sakte hai. Ye important note karke likho. Right, this is important note. Ho gaya? Yes, sir. हो गया क्या?
बोलो बोलो, इज दिस ओवर? यस सर। ओके, अब अगला सम लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट सम, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, दिस इज गोइंग टू कम, दिस विल हैव लॉट ऑफ लॉजिक। लिखो, इफ x इक्वल टू 1 प्लस log bc टू द बेस a, y इक्वल टू 1 प्लस log ca टू द बेस b, एंड z इक्वल टू 1 प्लस log ab टू द बेस c, प्रूव दैट। यहां पे मैं लिखता हूं प्रूव दैट, क्योंकि ये मुझे यूज करना है। प्रूव दैट एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, यह हमें प्रूव करके दुनिया को दिखाना है। अब इसको लिखने के बाद सभी लोग मेरी बात सुनेंगे, यहां तक ये, और ये कॉपी किया, कॉपी किया दोनों को, कॉपी केला का है? यस। ओके, अब मैं ये मिटा रहा हूं, ये मैं मिटा रहा हूं प्रूव दैट, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, मिटाऊं इसको। ओके, अब देखो यहां पे लिखता हूं सिंस, क्योंकि ये गिवन है ना, यह सिंस, एक मिनट, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है, ए, इसका बेस क्या है, सी, इसका बेस क्या है, सी, या तो मुझे वन को हटाना और बेस ए लाना है, तो व्हाट शुड आई डू, सर लॉग बेस ए लाना है, राइट, लॉग ए टू द बेस ए प्लस लॉग बी सी टू द बेस ए, go on writing along with me, log b to the base b plus log c a to the base b, z equal to log c to the base c plus log a b to the base c, that is equal to log to the base a, kya likhu abhi aap log batao, idhar kya likhu aap log batao, idhar aur idhar kya likhu aap log batao mujhe, isme kya likhu bracket mein, sir a b c, ABC, so simple, ये स्ट्राइक हो गया ना तो थिंग्स बिकम इजी, एंड व्हाट इज एलएचएस जो प्रोहा दैट इक्वल टू फर्दर लिख सकते हैं, लॉग एबीसी अपॉन क्या वो बताओ, एबीसी अपॉन क्या आप लोग बताओ, आप लोग बताओ क्या लिखूं यहाँ पे, यहाँ लॉग ए, दैट इज राइट, और यहाँ पे लॉग बी, और यहाँ पे लॉग सी, ओके, व्हाट इज एलएचएस जो प्रूव कर रहे हैं, उसका एलएचएस क्या है, उसका एलएचएस है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, x y, yeah, and this into this, into go on writing, plus y z plus zx, is this right, any doubt, iske baad kya likhu, a
upon log A into log B. वो तो अभी क्या करो, अभी यहाँ पे जरा अगले आठ स्टेप अपने आप करो, आपको एलसीएम लेना है फिर आगे बढ़ना है, क्या लिखो? इधर एलसीएम क्या लूं? सर लॉग एबीसी, लॉग क्या एबीसी ऐसा ये वाला अफीफ ये वाला क्या? यस और नो? यस नो 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 रॉन्ग. हाउ कैन यू से दिस बेटा? लॉग एबीसी होल स्क्वायर कॉमन. अब भी बताओ क्या आएगा? क्या आएगा अभी? इधर इधर क्या लिखो? इधर क्या, इधर क्या और इधर क्या? तीन ब्रैकेट में लिखना है. गो टू द राइट. अरे बोलो ना यार, अरे कोई तो बोलो. इधर क्या लिखो, इधर क्या लिखो, इधर क्या लिखो? मैथ्स है, सिंपल मैथ्स, स्कूल मैथ्स. लोग एबीसी होल स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया ऑलरेडी. Log sir, log c into log a b c v whole square. अरे into नहीं यार, plus है बेटा. क्या into बोल रहे हैं? Log c, log a और ये आएगा log b. नहीं समझ में आता मेरे को, बोलो sir. बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है. What are you doing sir? So you have taken log a b c v whole square common, so that I didn't see that sir. हाँ ये you see ना, ये written on the left hand side. ये सब ले लिया ना, बाहर ले लिया, तीनों में था. तो कह रहा है इसे log abc होल स्क्वायर. इसके बदले क्या लिखूं? इसके बदले सर log a प्लस log b प्लस log c इज व्हाट? सर log abc दैट इज राइट इनटू अपॉन log a इनटू log b इनटू log c. And this is nothing but equal to log to base whole cube upon right. This is log ABC, log ABC into log ABC. अपॉन मुझे कोई बताएगा मैं किधर क्या लिखूं, बताओ. ये तीन बार एबीसी क्यूब है ना, तो लॉग एबीसी इनटू लॉग एबीसी इनटू लॉग एबीसी. इधर लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी. तो इधर मैं लिखता हूं दैट इज इक्वल टू लॉग ए, दिस इज लॉग बी, दिस इज लॉग सी. एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई आई हैव बीन लाइक दिस? क्यों किया मैंने सर? सो दैट वी कैन कट देम. क्या कट देम? व्हाट कट देम? यू हैव टू प्रूव दैट दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. कट क्या, किसको कट करूं? सर XYZ सर, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट XYZ. यस सर, गॉट इट. तो फिर दिस इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स. ये कैन यू सी इज एक्स, दिस कैन यू सी इज वाई, एंड दिस कैन यू सी इज जेड. दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. यूजिंग वन टू एंड थ्री
ओके एक बार रिव्यूअर मारने की जरूरत है बच्चे लोग प्यारे बच्चों. यस सर. ओके अंडरस्टैंड. ये दिया था मुझे मैंने वन के बदले लगा लॉग ए टू द बेस है क्योंकि यहाँ पे बेस ए था. इधर वन के बदले लिखा लॉग बी टू द बेस बी. इधर वन के बदले लिखा लॉग सी टू द बेस सी. दैट इज इक्वल टू लॉग टू द बेस ए बी सी. तीनों में आया ए बी सी खाली इधर बेस बदला. देन आई हैव रिटन बाय चेंज ऑफ बेस लॉग लॉग ए बी सी अपॉन लॉग ए इक्वेशन वन लॉग ए बी सी अपॉन लॉग बी लॉग ए बी सी अपॉन लॉग सी वन टू थ्री. देन मैंने एल एच पकड़ा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. एक्स वाई यानी दिस इनटू दिस वाई जेड यानी कि दिस इनटू दिस जेड एक्स यानी कि दिस इनटू दिस. फिर मैंने क्या किया इधर लॉग ए बी सी इनटू लॉग ए बी सी लॉग ए बी सी तो इसको लॉग ए बी सी होल स्क्वायर इन दोनों को साथ में मिला. लॉग ए बी सी होल स्क्वायर इन दोनों को साथ में मिला. लॉग ए बी सी होल स्क्वायर इन दोनों को साथ में मिला. फिर मैंने क्या किया लॉग ए बी सी होल स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया इधर ब्रैकेट में. तो और फिर ये तीनों को एलसीएम लिया लॉग ए इनटू लॉग बी इनटू लॉग सी. तो इधर ये लॉग ए लॉग बी तो था इधर लॉग सी नहीं था तो लॉग सी इधर आया. लॉग बी लॉग सी था यहाँ पे तो इधर लॉग ए आया और इधर लॉग बी लॉग ए लॉग सी था तो इधर लॉग बी आया. तो दिस लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज नथिंग बट इक्वल टू लॉग ए बी सी क्योंकि ये एज इट इज कॉमन किया इन इस तीनों के बदले मैंने लॉग ए बी सी लिखा और ये तो है ही यहाँ पे. दिस इज नथिंग बट स्क्वायर इन टू वन मोर इट्स बिकम क्यूब लॉग ए बी सी क्यूब अपॉन लॉग ए लॉग बी लॉग सी. तो लॉग एबीसी क्यूब को मैंने तीन बार अलग अलग लिखा लॉग एबीसी डी लॉग एबीसी डी लॉग एबीसी. पहले वाले के साथ लॉग ए दूसरे वाले के साथ लॉग बी तीसरे वाले के लॉग सी. बट लॉग एबीसी अपॉन लॉग ए इज एच लॉग एबीसी अपॉन लॉग बी इज वाई एंड लॉग एबीसी अपॉन लॉग सी इज जेड एक्स वाई जेड इज आर एच एस यूजिंग 1 2 एंड 3 हेंस प्रूव्ड. कोई डाउट है तो मेरे को वापस पूछो कि सर नहीं आ रहा है समझ में प्लीज हेल्प अस अगेन. ऐसी कुछ है बात Please tell me, हाँ? और हमेशा ध्यान रखना लिख के प्रैक्टिस करना. ये अगर नहीं लिखोगे वापस नहीं आएगा आपको. लिख के एक बार देखना आता है कि नहीं. जैसे अफीफ को टेस्ट में उस समय आया ही नहीं जो कि मैंने किया था क्लास के अंदर. एग्जैक्टली सेम अफीफ बोला आई डिडंट गेट बिकॉज ही डिडंट राइट. याद है अफीफ कौन सा? यू रिमेम्बर बी स्क्वायर इज टू एक्स जेड अपॉन एक्स प्लस जेड था ना जो. प्रैक्टिस करना तो ही आएगा नहीं तो नहीं आएगा एग्जाम में. कैन यू सी दिस? यस सर. हाँ कभी भी आप लिखेंगे नहीं ना मैथ्स में यू हैव टू डू राइटिंग प्रैक्टिस. जो लिखेगा नहीं वो फंस जाएगा एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा. परमिशन साहिल के लिए ऊपर बुलाना है लेटर बैठ के बनाने. हाँ यस हो गया प्यारे बच्चों. यस सर. ओके ये मिटा सकता हूँ मैं इसको. प्रॉपर कॉपी किया आपने? Yes. Okay. ये लिख के प्रैक्टिस करना है. ये वाला मैं पूछने वाला हूँ एग्जाम में. I am going to ask this whenever exam will be conducted. This sum I am going to ask exactly same sum. अगर आपने लिख के प्रैक्टिस नहीं की होगी, you won't get it. Okay. इसके बाद लिखिए अगला sum. Prove that. I want to make your every chapter strong. Prove that.
log x to the base a plus log x squared to the base a squared plus log x cubed to the base a cubed plus dot a plus log x raised to p into a raised to p is nothing but equal to p log x to the base a. ये हमें दुनिया को प्रूव करके बताना है. LHS से स्टार्ट करते हैं हम लोग. किससे स्टार्ट करते हैं? LHS. LHS, have you copied this term properly? क्या आपने कॉपी मार लिया है बच्चों? Yes. Okay, अब देखो यहाँ पे देखो क्या अप्लाई है. चेंज ऑफ बेस लॉ. log x upon क्या लिखूं जरा बताओ. log x upon log a. इधर क्या लिखूं? log x square upon क्या लिखूं? a square. log a square. log a square. That's right. इधर क्या लिखूं? इधर क्या लिखूं? सर log x cube upon log a cube. That's right. Plus dot a plus log x raised to p upon log a raised to p. That is equal to log x upon log a. Plus यहाँ पे क्या लिखूँ? टोपी नीचे लेना है. दोनों का टोपी नीचे लेना है. तो क्या लिखूँ? The 2 log x upon 2 log a. That's lovely. बहुत अच्छा. 3 log x plus dot a plus p log x upon p log a. This 2 gets cancelled. 3 phi p. That is equal to log x ओके. अब मैं क्या करूं? अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका आंसर, फाइनल आंसर, एनीबडी इन द क्लास कैन टेल मी. सर यू शुड राइट दिस. व्हाट शुड आई राइट? log x upon a plus log x upon a plus dot 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 log x upon a. व्हाट शुड आई डू? एनीबडी, एनीवन, एनीवन, एनीवन. चलो एक स्टेप में बता सकता हूं. और समझ में नहीं आता क्या करने का. एनीवन, एनीवन ऑफ यू, एनीवन ऑफ यू. देखो मैं बताता हूं. चलो अभी आपको सुनो. सपोज इफ आई डू 1 + 1 + 1 प्लस वन, वन टू थ्री फोर टाइम्स, तो कितना आंसर आता है? वन प्लस वन फोर टाइम्स, तो आंसर कितना है? वन इंटू फोर. सपोज वन प्लस वन प्लस वन आई डू लाइक दैट 25 टाइम्स, तो व्हाट विल आई राइट? वन इंटू 25. सो दिस विल बी वन. बताएगा वन प्लस वन हम कितना टाइम कर रहे हैं? हाउ मेनी टाइम्स वी आर डूइंग? सो पी टाइम्स. सम में कितना टाइम? सो पी टाइम. That is right. P times. So that is 1 into P and that is equal to P. And therefore, इसके बदले हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसके बदले. So 1 into P. That is right. Log x upon log a into P. And that is equal to P times log x upon log a. That is equal to P times log X. That is equal to RHS.
समझ में आया सभी को? Is this clear to all? बोलो प्यारे बच्चों. Yes sir. ये रिपीट रूलर मारने की जरूरत है, एक बार शायद मार देता हूँ. देखो इसको log x by log a, इसको log x square by log a, इसको change of base. Log x cube upon log a cube plus dotted plus log x raise to p upon log a raise to p. टोपी नीचे. इसकी भी टोपी x cancel. ये log x upon log a plus ये खत्म ही नहीं होता है. तो log x upon 1 plus 1 plus 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको. इसके बदले मैंने लिखा p log x upon log a into p, that is p को पहले लिख दिया p log x upon log a, that is p log x to the base a, that is RHS. मस्त प्रॉब्लम था ना? Was it a good problem? Yes, sir. Okay, इसके बाद लिखो अगला सम लिखो. मैं मिटा रहा हूँ मैं. If log x to the base 2 plus log x to the base 4 plus log x to the base solely equal to 21 by 4. Find x. चलो यहाँ एल एच एस आर एच एस नहीं है, ये पूरा दिया हुआ है और हमको एक्स ये प्रूव नहीं करना है. दिस इक्वल टू दिस, प्लीज नोट, इफ दिस इज व्हाट इज गिवन टू अस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. ये इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग देयरफॉर के लिए कह रहे हैं लॉग एक्स अपॉन लॉग टू प्लस लॉग एक्स अपॉन लॉग फोर प्लस equal to 20. Please note, it is not LHS or HS problem. Let me get it. Log x common plus 1 upon 2 log 2. ये कौन बताएगा मेरे को? चलो ये कौन बताएगा? इधर क्या लिखा? Anyone who can tell me what should I write? Sir, 4 log 2. That's right. Lovely answer. Bahut acha, Jitendra. So, abhi main log x upon log 2 common leta. And then kya aega? 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4. Therefore, likhte jao. Therefore, equal to 2 bar nahi aata. Kabhi bhi dhyan rakhna. log x upon log 2 एलसीएम ये तो 4 तो 4 प्लस 2 प्लस 1 21 बाय 4 4 4 कैंसिल इक्वल टू 21 7 नीचे जाएगा. अरे यार अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं x लाने के लिए. आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ. एनीबडी कैन हेल्प मी? मैं थोड़ा फंस गया हूँ. कैन यू हेल्प मी एनीवन? ये कॉपी करने के बाद बोलो. चलो यहाँ तक आ जाओ. डेट 3 रेज़ टू 2 क्या? वी विल पुट डेट 3 रेज़ 2. हाँ इसको टोपी बनाई ऐसा बोलना सर. ऐसे सिंपल बोलने का सर. 3 को टोपी बना दो. log x equal to log 2
raised to 3. Therefore, log x equal to log 8. Remove log. That's the answer. That's the answer. So simple. Very simple. Very simple. एक बार रूलर मारने की जरूरत है. वंस रूलर माज ऋषा यस सर ओके अंडरस्टैंड. देखिए सिचुएशन ये तो दिया हुआ था मुझे और हमें एक्स ढूंढने को बोला था. ये दिया हुआ था ना तो मैंने चेंज ऑफ बेस लॉग एक्स अपॉन लॉग टू लॉग एक्स अपॉन लॉग फोर लॉग एक्स अपॉन लॉग 16 21 बाय 4 4 को 2 स्क्वायर और 16 को 2 रेज़ टू 4 तो इसका लॉग एक्स पहले बाहर ले लिया कॉमन तो इधर है 1 upon log 2 log 4 को मैंने 2 square का 2 log 2 लिखा इसका 2 raise to 4 का 4 log 2 लिखा इसको 21 by 4 फिर मैंने log 2 भी common ले लिया तो log x upon log 2 common पहले bracket से आया 1 इधर से आया half इधर से आया 1 upon 4 21 by 4 log x upon log 2 इसका 4 LCM लिया तो 4 और 2 दूनी 4 4 इको 4 तो ये 4 और ये 4 gets cancelled इधर log x upon log 2 into 7 equal to 21 7 नीचे गया तो ये आया 3 log x upon log 2 is 3 तो log x is 3 log 2 3 को टोपी बनाया जैसा कि ओम ने मुझे बताया log log cancel तो x equal to 8 अगला सम लिखो इसे मिटा दूं yes, क्या चलो लिखो सॉल्व फॉर एक्स इफ इफ एक्स प्लस लॉग टू द बेस 10 1 प्लस 2 रेज टू एक्स इक्वल टू एक्स लॉग 5 टू द बेस 10 प्लस log 6 to the base 10 क्या करें बोलो एक बार ध्यान रखो जरा मुझे बताओ तो log to the base 10 a plus b Then write this as log a to the base 10 plus log b to the base 10. Bolo, bolo, yes or no? Ye right hai ki wrong hai? Ye right hai ki wrong hai? A plus b. Zara mujhe batao na, please, 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 let me know. Yes, sir. Ye right hai ki wrong hai? We are having less than 1 minute.